अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का 14वां दीक्षांत समारोह केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को दी गई डॉक्टरेट की उपाधि। ऑनरस कॉज ऑन श्री रामदास अठावले जी एंड एज अ टोकन ऑफ दिस कन्फर्मेंट ग्रांट हिम द राइट टू यूज द सेरेमोनियल रोब ऑफ द डिग्री। नेहरू मुंबई के डीवाई पाटिल डिम्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों छात्रों को डिग्रियां वितरित की गईं। दीक्षांत समारोह में मोदी सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और रिपाई के अध्यक्ष रामदास अठावले को डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर डीवाई पाटिल, डायरेक्टर डॉक्टर विजय पाटिल समेत तमाम अतिथि मौजूद थे। खुद को डीलिट दिए जाने पर खुशी जताते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यह डॉक्टरेट उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए प्रदान की गई है। अठावले ने उपाधि के लिए डॉक्टर डीवाई पाटिल और उनके संस्थान के प्रति आभार भी जताया। आइए सुनते हैं अठावले ने क्या कहा। डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, डीवाई पाटिल जी हमारे बहुत ही नज़दीकी मतलब नेता भी है, महामहिम भी है और शिक्षण क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी प्रगति की है। कम से कम उनके यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ स्टडी करते हैं और विजय पाटिल जी उनके चांसलर भी है। तो मुझे लगता है कि एक आज मुझे डीलिट जो मिली है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर में मुझे ये मतलब बहुत बड़ी पदवी मिली है, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है, मुझे बड़ा स्वाभिमान भी है। मैंने इतने सालों में समाज का काम किया है, दलित प्रांतर का मूवमेंट चलाया है, रिपब्लिकन पार्टी का मूवमेंट चलाया है, समाज कल्याण का मैं महाराष्ट्र में मंत्री भी रहा हूँ, अभी केंद्र में भी दूसरी बार मैं मंत्री हूँ। तो मैंने इतने सालों में जो दलितों का, गरीबों का और समाज को जोड़ने का काम किया है, सामाजिक न्याय की बात मैंने हमेशा की है, आर्थिक न्याय देने की बात मैंने की है और इसीलिए इतने दिनों के बाद मुझे इतना बड़ा पद मिला है। तो मैं डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी का हार्दिक आभार करता हूँ और मेरे हाथ से गरीबों की इसके बाद भी सेवा मैं करता रहूँगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है, अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी नहीं होता था तो शायद मुझे इतनी बड़ी उपाधि नहीं मिलती थी। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग से मैं चलता रहा, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी पदवी मिली है। इसीलिए मैं डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गौरतलब है कि नेहरू का डीवाई पाटिल संस्थान मुंबई के शिक्षण संस्थानों में सबसे पहली कतार का माना जाता है। हजारों छात्र यहाँ विविध संकायों में शिक्षा ले रहे हैं। दीक्षांत समारोह में डीन ने संस्थान की इन उपलब्धियों और गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्कृष्ट शिक्षण और छात्रों का उत्थान ही संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।